राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार दुलारी यूं ही देते रहें। चलिए देखिए आज हमने भोजन क्या बनाया है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी बना है। तो देखिए क्या क्या भोजन में बनाया है। आज का हमारा यही रूटीन था, तो फिर चलिए देखते हैं। आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी। कढ़ैया चढ़ा रखे हैं, अभी तेल नहीं डाले हैं। इसके बाद दूसरा चीज़ बनाएंगे, ये चने की दाल है, ये अरहर की दाल है, पालक वाली दाल बनाएंगे। सोया चूँकि इसमें है तो सोया की खुशबू अलग आती है। तो आज हम यही खाने में बनाएंगे, आगे फिर बताएंगे क्या क्या बनाएंगे। अब गैस को करेंगे ऑन और सब्जी को तड़का लगा के बनाएंगे। फिर जितना मेरा तड़का होना चाहिए तड़का हो गया। अब इसमें डालूंगा पहले आलू। फिर मेथी डालेंगे, फिर आँच करेंगे धीमा और इनको ढक देंगे। अब ये पके हैं अपने अच्छे से। अब मेथी करीब करीब पक गई है, नमक केवल डालना है। थोड़ा सा रह गया है कसूर, अभी थोड़ा कसर है, नमक डाल दिए है ना, बाकी बचा सूखा कसर पूरा हो जाएगा। तब तक इधर अपनी दाल की तैयारी कर लें। ये पालक धुल चुके हैं और इसको काटेंगे। दाल के लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से हमने पानी रख लिया है। अब इसमें डालेंगे दाल, इसमें दाल पड़ गई। अब इसमें डालेंगे पालक, इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। इसमें डालेंगे हल्दी, 1.5 चम्मच हल्दी भी डालेंगे क्योंकि चम्मच मेरा छोटा है। गैस कुक करेंगे ऑन और कुकर हम को चढ़ा देंगे छोटे वाले पे। अभी धीरे धीरे गर्म होते रहे, अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे जब तक ये पूरा बंद उबलने के कगार पे नहीं आएगा। तब तक इधर सब्जी का देखते हैं सब्जी क्या हालत है। सब्जी हमारी एकदम पक के तैयार है। सब्जी फुल रेडी है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। दाल गर्म होने को आई है, इधर मेरा काढ़ा पक रहा है, अब इसको जाना है छानने। चावल भी धुल के हमने रख लिया है। अब दाल का तड़का तैयार करना है। अभी दाल थोड़ा सा और पके तब जो है इसका सीटी लगाए हम, उबले तब, नहीं तो सीटी में आके फंसेगा।
अब ये खोलने लगेगा, मतलब खोलने लगा, अब सीटी लगेगी इसमें। इसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डालेंगे, इससे और सोखियत आती है और ये उफनेगा नहीं ज़्यादा। दाल हमारी रसे रसे हो रही है आराम से, धीमी आंच पे बिल्कुल अच्छे से। अब दाल से बच्ची खुशबू चने की आने लगी है, दाल मेरी पक चुकी है और ये चौथी सीटी देने वाली है और धीमी आंच पे बिल्कुल। तो दाल खूब पक के रेडी है। अब दाल ठंडा होने के बाद तड़का लगाना है, चावल डालना है। अभी दाल मेरी कंप्लीट है, अब तड़का लगाना है। दाल बिल्कुल रेडी है। आते हैं जीरा, हम डाल चुके हैं तेल और जीरा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, इसके बाद डालेंगे मिर्च, इसके बाद डालेंगे ढेर सारा लहसुन, क्योंकि ठंडी का सीजन है तो लहसुन को ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, गर्मी में कम। तड़का लगभग मेरा तैयार होने वाला है, एकदम करीब आ गया है। अब इसमें दाल डाल देंगे, आंच को पहले स्लो करेंगे नहीं तो घर भर आएगा। अब ये दाल हमारी पालक वाली दाल, पालक चना अरहर दाल बिल्कुल एकदम रेडी। यहाँ चावल बैठा दें, चावल रह जाएगी रोटी। चावल को चढ़ा दिया, अब सीटी लगा देंगे, हो जाएगा। अभी मक्का का आटा लिए हैं, अब चल रहे हैं इसको सानेंगे। सान के इसी की दो टिक्कर बनाएंगे, फिर इसको थोड़ा 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 पानी करके ऐसे ही सानेंगे। आज कोई सपोर्टिव नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, मक्के का आटा इसी तरह से मारा जाता है। गैस चूल्हा ऑन करेंगे, पानी लगाते हैं और बनाते हैं। मेरी माँ मेरी दादी ऐसे ही बनाती थी। पुराने जमाने में यूं कहें तो ऐसे ही बनता था। ये देखिए कहीं भी मोटा पतला नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही परथन डालेंगे। परथन डाल के हल्की सी गोली तावा पे डालते हैं ताकि तावा माजा हुआ है डाल देंगे इसी पे। अब ये धीमी आंच पे पकेगा, थोड़ा समय लगता है। एक मक्के की रोटी बनाने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी देर से डाले हैं रोटी, अब जाके ये उतारने लायक हुई है, मतलब पलटने लायक हुई है। ये इसी तरह से चूल्हे पे पलटी जाती थी ना रोटी पहले,
चित्तियाँ पड़ गई इतने स्लो आँच पे, एकदम धीमी आँच है, इसी आँच पे रोटी मेरी बनेगी पूरा, तभी रोटी खाने का आनंद आएगा। और सेकना भी इसी तरह से धीमी आँच पे होगा। तो मक्के की रोटी खाने के लिए बहुत पेशेंस होना चाहिए, तब मक्के की रोटी आप खा सकते हो, अगर ढंग का, जैसे पुराने ज़माने में लोग पुराने मतलब कि खाते थे वैसे। इधर भी करीब करीब हो गया है, तो अब इसको क्या काम करेंगे, बहुत धीमी आंच से सेकना है। पलटते रहना चाहिए एक जगह, नहीं तो दाग पड़े मतलब काला होगा। अब कैमरा बंद नहीं करेंगे, पूरा सेक के ही दिखाएंगे। ज़रा भी आँच तेज ना करें, ज़रा भी जल्दबाजी ना करें, नहीं रोटी फूल तो जाएगी, ऊपर से देखने में पकी लगेगी लेकिन अंदर से वो नहीं पक पाएगी। तो ये रोटी बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। फूल रही, किनारे से गैस निकल रही है। अभी इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे, अभी और पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़े थोड़े किनारे दिख रहे हैं ना। मकैया रे तोर गुन गौलो न जाला, मकैया रे तोर गुन गौलो न जाला, भात करे खिदिर बिदिर रोटी छितराला, भात करे खिदिर बिदिर रोटी छितराला, भैंसी के मंठा से सर सर घोटाला, भैंसी के मंठा से सर सर घोटाला। तो मेरी रोटी बनके एकदम तैयार है, किसे किसे खाना है आइए। ये हो गया पालक वाली दाल, इसमें घी पड़ी है। ये हो गया मेथी आलू की सब्जी, ये हो गया थोड़ा सा चावल। इसके बाद ये रोटी तोड़ेंगे, तोड़ के ये हो गई मक्के की रोटी। ये हो गया मेरा आज का भोजन, कैसा लगा आप लोग बताइएगा।